गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम ए बेस्ट टीचर फ्रॉम एमकेटी पब्लिक स्कूल। ये मेरा 7th लेक्चर है। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, होम एंड अराउंड। आज का टॉपिक है माय नेबरहुड, मेरा पड़ोसिया। पेज नंबर 25 निकाल लीजिए आप लोग। माय नेबरहुड नेम ए फ्रेंड हु से क्लोज टू यू योर हाउस, हाउ क्लोज डिस्कस। आप लोग को एक फ्रेंड का नाम बताना है जो आप लोग के घर के पास हो और वो आपका कैसा दोस्त है। द पीपल हु लिव नियर वंस हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। वो आदमी जो आपके घर के बगल में रहता है वो आपका पड़ोसी है। द प्लेसेस नियर वंस हाउस मेक ऑफ द नेबरहुड। वो जगह जहाँ बहुत सारे घर होते हैं उसको नेबरहुड कहते हैं या बनता है नेबरहुड। हम लोगों के अगल बगल में जितने भी घर हैं वो सब पड़ोसी हैं। द प्लेस हेल्प अस लिव कम्फर्टेबली। ये जगह हम लोगों को कम्फर्टेबल रहने में मदद करती है। देयर आर मैनी सच प्लेसेज इन ए नेबरहुड। हम लोग के पड़ोस में ऐसा बहुत जगह है। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक, ये सब हम लोगों के आस ही पास होता है। ए क्लीन नेबरहुड इज ए हेल्दी नेबरहुड। एक साफ पड़ोसियाँ ही एक स्वस्थ पड़ोसियाँ हैं। वी कैन कीप आवर नेबरहुड क्लीन बाय थ्रोविंग गार्बेज इन द डस्टबिन। हम लोग अपने पड़ोस को साफ रख सकते हैं कूड़ा को डस्टबिन में फेंक कर। वी कैन ऑल्सो कीप द नेबरहुड ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। हम लोग अपने पड़ोस को ग्रीन रख सकते हैं यानी हरा भरा रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। लेट अस रिकैप। ए हाउस इज ए प्लेस वेयर वी लिव इन विथ आवर फैमिली मेम्बर्स। घर एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, ए स्ट्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड थिप्स। घर हम लोग को बचाता है गर्मी से, ठंडा से, बरसात से, तूफान से, जंगली जानवर से और चोर से। हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कच्चा एंड पक्का हाउसेस। घर दो तरह के होता है, एक कच्चा हाउस होता है, एक पक्का हाउस होता है। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। हमारे घर के आसपास के लोग जगह को ही पड़ोसिया कहते हैं। पुलिस पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एंड बैंक आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन ए नेबरहुड। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एंड बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है पड़ोस का। ग्लोसरी, रिलैक्स टू टेक रेस्ट।
रेस्ट करने को ही हम लोग रिलैक्स करना कहते हैं। प्रोटेक्ट्स सेफ्स फ्रॉम डेंजर इंजरी और डैमेज। प्रोटेक्ट्स का मतलब होता है खतरा से, चोर से, चोट से और नुकसान से बचाना। बम्बो ए प्लांट विद ए हार्ट। हॉलो स्टीम यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर टॉयज हाउस और अदर थिंग्स। बम्बू एक हार्ड प्लांट है और खोखला स्टीम है जिसके यूज से हम लोग फर्नीचर टॉयज हाउस बनाते हैं। बम्बू का हिंदी बांस होता है। कंफर्टेबली डिग इन रिलैक्स करना को ही हम लोग कंफर्टेबली कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपका 3 चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, हम PDF भेज देंगे।